अच्छा तुम्हें से कितने लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं? गिव मी अ चीयर। ओहोए, मैं अभी ना मेट्रो से आ रहा था तो ऐसे मैं एंटर हुआ और मेरे हाथ में बैग, मतलब पीछे बैग था, तो मैं ऐसे रोटेट हो गया तो मेरे बैग का जिप एक लड़की के हाथ पे लग गया, तो उसके ना ऐसे लंबी सी लाइन बन गई भाई, वो चढ़ गई, दिखा आपने, दिखा आपने, दिखा आपने। मैं कहा हाँ, काफ़ी ड्राई स्किन है। वो करके चली गई। और पता, हैव यू नोटिस कि मेट्रो में दो तरह के लोग ट्रैवल करते हैं, एक होते हैं एक्सपीरियंस्ड, ये मेट्रो में घुसते हैं, उनको पता है कि सीट कहाँ मिलनी है, पता नहीं इनके चश्मे पे सीट सीट लिख के आता है। और दूसरे होते हैं इनएक्सपीरियंस हमारी तरह, जो मेट्रो में जाते हैं और कहीं भी नहीं खड़े जाते हैं ऐसे कंफर्टेबली कि कोई टच ना करे, और थोड़ी देर बाद हम एक और जगह पे खड़े जाते थोड़ी आगे कि बिल्कुल भी टच ना करे। एंड देन यू रियलाइज कि जहाँ से तुम अभी हटे उसके सामने एक सीट खाली हो गई, एंड यू लाइक लाइफ में मैं एक सीट भी नहीं ले पाया। तो एक दिन क्या हुआ कि एक ना एक्सपीरियंस बंदा मेरे साथ में खड़ा हुआ था और सामने सीट खाली हुई है, ये बंदा भाग है। अब बात यह है कि जो सीट खाली उसके साथ में एक लड़की बैठी थी, उसके पापा खड़े हुए थे, तो लड़की ने अपना पापा धर्म निभाया और सीट पे स्लाइड हो गई। पर ये बंदा अपनी बॉडी लेके निकल चुका था। एंड यू नो अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ये जाके उसकी गोद में लैंड हुआ सीधे जाके। तो उतने में लड़की के पापा खड़े हो गए, व्हाट इज दिस। तो साथ में एक आंटी बैठे थे, उनके पति खड़े हुए थे, तो आंटी ने पति धर्म निभाया और वो सीट पे स्लाइड हो गई। अब अंकल जी उस औरत की गोद में, बैकवर्ड मैंने एक दिन में ना इतनी गोद भरे नहीं देखी थी। और ना दिल्ली में एक बहुत प्यारी जगह है, जैसे देखा आपने रामायण में ना ऐसे एरो मिलते हैं और धूप होते हैं, आई कॉल दिस प्लेस राजीव चौक। Have you ever been to this wonderful place? Yes. By God, मैंने राजीव चौक पे ना कभी भी अपने दोस्त को छोड़ा नहीं है, विसर्जित किया है। मैं दोस्त स्टेशन वाले अपने दोस्त को बोलता हूँ बाय बाय दोस्त, लाइक नहीं नहीं मेरे पास टाइम है, मैं कहा तेरे पास नहीं है। क्योंकि जैसे ही राजीव चौक आया गेट खुला, वो अरे अरे कहके भाग गया। और राजीव चौक पर तुम्हारा सफर अधूरा है जब तक तुम्हारे पास एक बंदा ना आए और तुमसे पूछे भैया ये नोएडा जाएगी या वैशाली। आजकल तो नेक्स्ट लेवल हो गए हैं, कह रहे भैया वो पौन कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं। और मेट्रो में ना चलते हैं कपल, हैव यू नोटिस कपल्स प्यार में अंधे अंधे, मतलब तुम अगर दूर से दोनों कपल को देखो ना तो ऐसा लगता है कि उनके दिल जुड़े हुए हैं। जैसे ये एक का फोन जेब में, उससे एक ईयरफोन की वायर, प्रॉपर दिल बनाते हैं वो। और कुछ कपल तो अलग ही होते हैं यार, मैं देखा मेट्रो में ऐसा बंदा खड़ा हुआ है, लड़की कंधे पे सर रख के सो गई, अगर आप उन्हें बांसुरी दे दो ना बांसुरी और पीछे एक फ्रेम लगा दो तो जन्माष्टमी उठा के लगते ना भगवानों को वो लगते हैं, तुम बस ये करो। ओ हो, तो एक दिन क्या हुआ, ये जो कपल है ये मेट्रो से बाहर उतर रहा था, तो लड़का आगे था तो गेट पर ऐसे कर रहा था फॉर यू, बेसिकली वो लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो लड़की थोड़ी दूर थी तो ना मैंने उसको अपना ही हाथ दे दिया। देखो 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 देखो, मेरी मैंने समझाया कि देखो भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते और राजीव चौक पर तो बिल्कुल भी नहीं, इवन ना राजीव चौक से भगवान भी स्केप करते हैं, इग्नोर करते हैं उसको, इसलिए हनुमान झंडे वाले पे खड़े हैं ऐसे, कह भाई इसके आगे तो मैं भी नहीं देखता, जय श्री राम। और तो कमाल की बात है, ये बंदा पूरा मुझे मेट्रो से बाहर ले गया, फिर पीछे मुड़ गया, होली फक मेरी गर्लफ्रेंड, मैं कहा तो बह गई, कह रहा कहाँ मिलेगी, मैंने कहा हुड्डा सिटी सेंटर।
फिर गया वो लेने के लिए उसको. एंड हैव यू नोटिस कि जितने भी चार्जिंग पॉइंट हैं मेट्रो में वो ओल्ड एंड हैंडीकैप के ऊपर लगे हुए हैं. क्या चार्ज करना है उन्होंने? उनके पास नोकिया 1100 होता है, उसके 5 डंडे 5-5 साल नहीं हिलते. एक दिन क्या हुआ, मैंने ऐसे वो पावर सॉकेट था उस पर चार्जर लगाया और ऐसे वायर को ऊपर ले जाते हुए ऐसे चैटिंग कर रहा था. तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरी वायर पे एक रुमाल सूख रहा था. उस पर एक चिमटी भी लगी हुई थी. तो मैं से कोई ई रिक्शा पे बैठा है? Yes. अगर मंगलयान का किसी चीज की स्पीड है ना, वो है ई रिक्शा. मतलब E=mc2 मैंने पढ़ा था, उस पर मैंने महसूस किया हुआ है. भाई साहब वो जूक करके चलाता भाई ऐसे करके. मैंने कहा भैया बता तो देते चल पड़ा ये गाड़ी, एटलीस्ट ये तो बोलते 1 2 3, कम से कम ये तो बोलते आर यू गाइस रेडी. मतलब मेरी आत्मा पीछे रह जाती है कई बार. और वो ड्राइवर देखा तुम्हें, ड्राइवर उसकी कभी आंखें देखी हैं भाई? उसको रोड पे कुछ नहीं दिखता, ट्रक टेम्पो टाला कुछ नहीं दिखता उसको भाई को. उसको बस जूम करके निकलना है. कई बार तो मैं भी चल भैया आराम से चला लो घर ही जाना है. बट यू नो माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र है. जब रावण सीता माता को ले गया था ना, तो वो ई पुष्पक था. वो तो उसको ना ए ट्रैफिक कंट्रोल से वो क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए ज़मीन पे आया वो. बट द बेस्ट पार्ट इज मैंने ना उस पर अच्छी अच्छी लड़कियों को डीजे बनते हुए देखा है. एक लड़की ना फ़ोन पे बात कर रही थी, कह रही मेरा चेक आ गया, मेरा चेक आ गया. तो देखा यू हैव यू सीन दैट स्पीड ब्रेकर जिसमें एन नंबर ऑफ स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं? भाई वो निकल गई, चिक 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 करके निकल गई.